हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के हम इस वीडियो में एट 2020 रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का क्वेश्चन डील करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन पे डिबेट हो सकता है कि हाँ ये आरपीवी का है, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का है, या मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। वन क्वेश्चन तो डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का शो होता है। अब दो क्वेश्चन पे क्या करें, डिबेट करें या सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे ना यार, अल्टीमेटली डिबेट इज नॉट मैटर, ओनली मैटर कि दो क्वेश्चन ये कैट के हैं, तो सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं गाइज एंड सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर हैज डाई एंड वाटर इन प्रोपोर्शन 2:3। वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन टू चेंज दिस प्रोपोर्शन टू 2:5। ओनली वाटर इज एडेड, यू हैव टू पे अटेंशन। इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का 1/4 इज टेकन आउट, हाउ मेनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू रिमेनिंग सॉल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3। मतलब हाँ, मिक्सचर के कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं और रेशियो प्रोपोर्शन ये है, तो क्या फर्क पड़ता है यार कोई भी टॉपिक का हो। सॉल्व करते हैं, डजंट मैटर वो रेशियो का हो या मिक्सचर एलिगेशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 40 लीटर है, इसमें दो डाई और वाटर है जिसका प्रोपोर्शन 2:3 है, डाई एंड वाटर। अब देखो 2:3 है, मीनिंग टोटल 5, 5 = 40, 1 = 8, 2 इट मीन 16, 3 = 24। या फिर ये चीजें नहीं समझ में आया, 2 by 5 = 40, यहाँ पे 8, 8 * 16, 16 हो गया, 16 में 40 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो, 24 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। पढ़ते हैं आगे, वाटर इज एडेड, इसमें ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर का एडिशन हुआ है। चेंज दिस प्रोपोर्शन 2:5, वाटर एड हुआ है और ऐड होने के बाद सॉल्यूशन का प्रोपोर्शन चेंज होकर 2:5 हो गया। मतलब अब सॉल्यूशन का प्रोपोर्शन 2:5 हो गया इंस्टेड ऑफ 2:3। तो देखो यहाँ पे वाटर का एडिशन हो रहा है, लेकिन ये जो डाई है वो एज इट इज हो रहा है, डाई में तो कुछ ना एडिशन ना सब्सट्रैक्शन हो रहा है। जो सॉल्यूशन है उसमें डाई का क्वांटिटी एज इट इज रहेगा और रेशियो 2:5 का, इट मीन्स जो टू अमाउंट है वो इक्वल टू 16 है, 2 = 16, 1 = 8, इट मीन्स 5 = how much 8 = 40। यहाँ पे ये जो सेकेंड जो हुआ है ऑपरेशन, जो इसमें एडिशन, इसमें 16 जो लीटर है, 16 लीटर वो डाई होगा और 40 लीटर जो होगा वो वाटर होगा। तो एडिशन कितने का हुआ यहाँ पे, 20 40 - 24 16, 16 का एडिशन किया हमने, ये सॉल्यूशन 2:5 के रेशियो में हो गया। वेरी बेसिक थिंग्स। अब आगे क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे यहाँ का 1/4 ये लोग रिमूव कर रहा है, टोटल कितना हो गया 56, 56 का 1/4 रिमूव कर दे रहा है, टेकन आउट, मतलब ये 3/4 बच रहा है, दैट इज 14 * 3 = 42। अब 42 सॉल्यूशन बच रहा है, लेकिन और रिमूवल कितना हुआ 10 लीटर का ना, 14 लीटर का रिमूवल हुआ। अब देखो क्या होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, कि जो मिक्सचर में क्या होता है कि जो जो सॉल्यूशन जिस रेशियो में होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2:5 का रेशियो है, अब यहाँ पे 14 लीटर का और टोटल है ये 56, यहाँ से 14 लीटर का हमने रिमूवल किया मिक्सचर से। यहाँ पे क्या होगा ना कि जो जो इंडिविजुअल है ये एलिमेंट डाई और वाटर, इसका जो रिमूवल होता है ना वो इसके रेशियो में होता है, जिस रेशियो में सॉल्यूशन है उसी के रेशियो में रिमूवल होता है। इट मीन्स डैट जैसे 14 का रिमूवल हुआ, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल डाई में 16 है, यहाँ से कितना रिमूवल होता है 2:5 के रेशियो में, डेट इज 2/7 * 14, 2 मतलब 4,
यहाँ से जो डाई एलिमेंट है, यहाँ से 4 लीटर रिमूवल हुआ, तो ये हो गया मेरा 12। अब देखो टोटल रिमूवल 14 लीटर है, 4 लीटर डाई से हुआ, 10 लीटर यहाँ से होगा, ये बच गया मेरा 30 लीटर। देखो 12, 30, 42, मतलब ये एक चीजें जो है कि यहाँ सेम रेशियो में रिमूवल होता है और सेम रेशियो में एडिशन होगा, ये चीजें मिक्सचर का बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू रिमेनिंग सॉल्यूशन। रिमेनिंग सॉल्यूशन मेरा इतना है 12 लीटर 30 लीटर इक्वल टू 42, इस जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए, तो डाई का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इट मीन्स वाटर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 2:3 का है, जो 3 अमाउंट है 3, यहाँ पे ये इक्वल टू 30 लीटर होगा, 1 इक्वल टू 10 लीटर, 2 इट मीन्स 20 लीटर यहाँ पे चाहिए मुझे डाई, 8 12 था, 20 लीटर चाहिए, सो एडिशन कितना हुआ 8 लीटर का, तो हमारा आंसर आ गया 8 लीटर का एडिशन, डेट इज 8 लीटर आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कुछ नहीं था बस एडिशन सब्सट्रैक्शन था एंड बस ये जानना था कि हाँ किस रेशियो में रिमूवल होता है, जो मिक्सचर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं, सम ऑफ मनी इज स्प्लिट अमाउंग ए एस एम सो डेट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एस इज 3:2, नो नीड टू रीड अमल सुनील एंड मित्रा, अगर इनिशियल डिफरेंट है नो नीड टू रीड फुल नेम, टाइम बचेगा ना यार। वाइल द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ एस एंड एम 4:5, अच्छा ए और एस का दिया है और एस एम, ओके वेरी इजी, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 3 शेयर इज 400, देन सुनील शेयर इन रुपीज, ओके वेरी इजी वेरी इजी, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। सो ए और एस का शेयर दिया है 3:2, एस और एम का शेयर दिया है 4:5। अब देखो रेशियो को हमको a:s:m में लाना होगा, तभी यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो है डिफरेंस वो 400 है। अब देखो इसको a:s:m में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो यहाँ दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, एस कॉमन है, इसका दोनों का वैल्यू सेम कर दो, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, इसको ये a:s में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये सेम हो जाएगा, 6:4 हो गया, 4:5, इट मीन्स जो a:s:m होगा वो 6:4:5 होगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस 400 है, दिस वन इज लार्जेस्ट दिस वन इज स्मॉलेस्ट, इसका डिफरेंस 2, हमारे अजम्पशन के हिसाब से 2 है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 400 है, तो 2 2 जो है वो 2 यूनिट जो है वो 400 के इक्वल, सो 1 यूनिट जो है वो 200 के इक्वल, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड सुनील का शेयर, सुनील का शेयर कितना है 4 यूनिट है, 4 × 200 दैट इज 800, 800 इज आवर आंसर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक जो होता है रेशियो के उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड था, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज एंड यू आर लाइकिंग द सॉल्यूशन, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, इट इज अ रिक्वेस्ट बिकॉज आई नीड सम मोटिवेशन टू मेक वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं, अ अलॉय एन अलॉय ओके इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल ए बी सी इन प्रोपोर्शन 3:4:7 बाय वॉल्यूम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बाय वॉल्यूम मतलब ये लीटर में रहेगा, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल ए बी एंड सी आर इन रेशियो ऑफ 5:2:6, इन 130 kg ऑफ द अलॉय द वेट इन केजी ऑफ मेटल सी इज, सो वी हैव टू फाइंड वेट मेटल सी का अलॉय में। अब देखो क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम का दिया है रेशियो और वेट का रेशियो दिया है, सो लेट सपोज कि ए बी सी का वॉल्यूम है लीटर में
वो 3:4:7 है, तो इसको ब्रेक करते हैं, तो लेट सपोज कि ये का वॉल्यूम है 3x 4x लीटर, एंड सी का 7x लीटर, ए का 3x, बी का 4x और सी का 7x। यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू में लाने के लिए, रेशियो को ब्रेक किया। अब क्या बोल रहा है कि वेट जो है, वेट उसका रेशियो मुझे दिया है 5:2:6। इट मींस वेट समझ लो कि लेट कर लेते हैं इसको 5y 2y 6y। अब यहाँ पे समझने की नहीं रहे कि जो वेट है ना, ये वेट पर लीटर है, वेट ये जो है 1 लीटर का वेट इतना है, ये जो रेशियो में दिया हुआ है, मतलब 1 लीटर जो ए का ए एलिमेंट है उसका वेट है 5y। 1 लीटर, एक लीटर ऑफ एलिमेंट ए का वेट है 5y। तो सेम एज इट इज हम टोटल जो 3x लीटर वॉल्यूम है उसका वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको जो ये दिया है फाइनल, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए है वो केजी में है, मुझे वेट में इक्वेट करना पड़ेगा, तो मुझे वेट चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 15xy, ए का जो वेट आ गया वो 15xy टोटल वेट, इसका हो गया 8xy, इसका हो गया 42xy। अब देखो यहाँ से भी एक हम त्रिगम मतलब जुगाड़ लगा सकते हैं, क्योंकि मेटल सी का वेट पूछा है, तो मेटल सी का टोटल वेट 42xy है, मतलब जो मेरा ऑप्शन होगा वो 42 का मल्टीपल होगा। 42 का मल्टीपल 48 है? नहीं है। 70 है? नहीं है। 96 है? नहीं है। 84 है। सो ये मेरा आंसर होना चाहिए, डी मेरा आंसर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, यहाँ से मैं डी मार्क मार्क करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या देखो क्या है कि टोटल जो है अलॉय वो 130 kg है, टोटल मतलब टोटल जो अलॉय का वेट है वो 130 kg है, टोटल में हमको तीनों को ऐड ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स 12 8 50 50 और 65, दैट इज 65xy इक्वल टू 130। तो एक्स वाई इक्वल टू 2, सो वी हैव टू फाइंड 42xy। एक्स वाई इक्वल टू 2, 42 into 2 84। देखो मैच कर गया, हम लोग को ये सभी चीजें करने की नीड ही नहीं थी, डायरेक्ट मल्टीपल पर लेकर सॉल्व ऑप्शन टिक करते और आगे बढ़ते। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैट में, जहाँ पे आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड का जो टाइम है वो आप सेव कर पाओ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी मीडियम काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा समझना था कि हाँ वेट का और वॉल्यूम का कैसे सिनारियो चलता है, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हाँ वेट और वॉल्यूम का कैसे सिनारियो चलता है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2021 का सॉल्यूशन के साथ, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का ही क्वेश्चन। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।